ये एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम, तो एनर्जी होती है मेरे पास हाफ एफ एक्स पर वॉल्यूम, तो पर वॉल्यूम ये हो गया, तो एनर्जी पर वॉल्यूम मेरे पास बन गया 1/2 एफ एक्स होल डिवाइड बाय एरिया इनटू हाइट, या एरिया इनटू लेंथ बोल गया इसका। तो ये वैल्यू बन गई है 0/1/2 एफ ओवर एक्स डिवाइड बाय एरिया इनटू लेंथ, ये बन गया 1/2 एफ एक्स ओवर ए एल। बेटा अगर अब ज़रा इस बात को समझो कि ये एफ ओवर ए तो मेरे पास क्या है, ये तो मेरा स्ट्रेस हो गया। अच्छा ये जो ये वाली चीज़ है इसको हम दूसरे कलर से कर लेते हैं, ये जो ये वाली चीज़ है ये मेरे पास स्ट्रेन है। लेट्स से स्ट्रेन को मैं ये वाला ई बोल लेता हूँ, ठीक है। अब अगर यंग्स मॉडुलस मेरे पास वाई है फॉर एग्जांपल, तो यंग्स मॉडुलस का फॉर्मूला होता है स्ट्रेस ओवर स्ट्रेन। तो अभी जो मेरे पास फॉर्मूला ओवरऑल बन गया है इसका एनर्जी पर वॉल्यूम का, वो बन गया है फ़िलहाल मेरे पास 1/2 डॉट एस डॉट ई, एक्स ओवर एल ई है, एस मेरे पास एस है और 1/2। अब मैंने करा क्या है, मैंने ये करा कि स्ट्रेन की जगह पर मुझे एस लाना है, तो मैंने वाई टाइम्स ई करा तो मेरे पास एस बन गया ये। इसी तरह अगर मैं ई को इस तरफ ले आऊँ और वाई वहाँ ले जाऊँ, वाई या कि इस अभी मेरा यंग्स मॉडुलस है अभी फिलहाल, तो क्या मैं इस ई की जगह पर, सॉरी इस ई की जगह पर मैं ये वैल्यू डाल सकता हूँ? नहीं डाल सकता, बिल्कुल डाल सकता हूँ। तो अब मेरा फॉर्मूला नया बन जाएगा अगेन, दैट इज ई अपॉन वी वुड बी इक्वल्स टू 1/2 डॉट एस, कौन सा ये वाला एस, डॉट एस ओवर वाई। अब इस वाले केस में वाई मेरा यंग्स मॉडुलस है, तो ये क्या बन गया, ये मेरे पास ओवरऑल वैल्यू बन गई एस स्क्वायर अपॉन 2e, ये मेरा बन गया ये वाली वैल्यू, और यही मेरा बनेगा इलास्टिक एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम। तुम इसी को इस तरह सॉल्व कर लेना तो ये तुम्हारा आंसर आ जाएगा।